इसके हाल चाल। आज का ब्लॉग थोड़ी लेट शूट हो रहा है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ सबसे। तो आज भी हम काम पे जाएंगे, मतलब इतना मतलब काम में व्यस्त है कि पता नहीं चलता कब टाइम नहीं मिलता ब्लॉग बनाने का। तो मैंने सोचा चलो अभी बना लेता हूँ। तो अभी देखो मैं रेडी होने जा रहा हूँ, तो रेडी होके आपसे मिलता हूँ। और गाइस हम रेडी हो गए हैं, रेडी मतलब टी शर्ट ही पहनी थी जोमेटो की। तो अभी आईडी ऑन करते हैं, तो फिर काम पे जाते हैं, जो मतलब काम करेंगे आपको दिखाएंगे, ठीक है। पहले ऑनलाइन शो होते हैं, उनसे सेल्फी मांगते हैं, देखो ऐसे पहले इनको सेल्फी देने पड़ती है हमेशा, तो वेरीफाई करना होता है इन्होंने कि मतलब मैं ही वही बंदा है कि यहाँ कोई और काम कर रहा है। अगर कोई और हमारी आईडी से काम करता है तो आईडी ब्लॉक कर देते हैं। तो पहले हम सेल्फी देते हैं इनको। तो मैंने सेल्फी सबमिट कर दी, तो अभी मतलब वहाँ से मैसेज आएगा कि मतलब वेरीफाई कर रहा होता है। वेरीफाई करने के बाद अगर वेरीफाई नहीं होती है फिर ये बैग के साथ टी शर्ट के साथ सेल्फी मांगता है। तो अभी सबमिट हो रही है, तो देखो ऐसे ही मतलब नॉर्मल। ये देखो वेरीफाई नहीं कर पाया क्योंकि रूम में लाइट कम है। तो अभी ये ना क्या करेगा, बैग और टी शर्ट के साथ सेल्फी मांग लेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ रहा ना बैग और टी शर्ट, अभी इसको क्लिक करूँगा तो बैग और टी शर्ट के साथ मैं सेल्फी ले देता हूँ। तो ऐसे सेल्फी देनी होती है जोमेटो की। तो सेल्फी सबमिट कर दी मैंने फिर से, अब फिर से वेरीफाई करेगा। देखो ब्रेक टाइम भी आ रहा है, मतलब मेरी 7 बजे मेरी लॉगिंग होती है सबमिट होगी। तो इसको ओके करने के बाद आईडी ऑन हो जाएगी, आईडी ऑन होगी। तो अभी ऑर्डर का वेट करते हैं, वही बैक पुश जैसे पहले था। तो रोमा का ऑर्डर दिखा रहा है, रोमा का पढ़ सकते हैं, घर के पास ही रोमा हमारे। तो गाइस मैंने आईडी तो ऑन कर दिया बट ऑर्डर अभी तक पढ़ नहीं रहा। तो मतलब 25 मिनट हो गए हैं और वेट करते हुए, तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकला। मतलब अगर बाहर जाऊंगा तो ऑर्डर पड़ ही जाएगा, मुझे पता है। तो गाइस हमें 1 घंटा हो गया आईडी ऑन की, एक भी ऑर्डर नहीं पड़ा। मैं घर पे ही हूँ, मैं बाहर गया ही नहीं। अगर मैं बाहर जाता तो शायद ऑर्डर पड़ ही जाता, तो मेरा काम करने का मन ही नहीं क्योंकि बाहर ठंड बहुत है। तो इसलिए मैं घर पे बैठा हूँ, अगर ऑर्डर पड़ेगा तो जाऊँगा। तो ठीक है वेट कर रहा हूँ, तो ऑर्डर पड़ता है तो जाता हूँ, अगर नहीं पड़ेगा तो घर पे ही रहूँगा। तो आपको मैं पिछले वीक का मतलब अमाउंट दिखा देता हूँ। तो ये अभी जो 2 दिन काम किया, मतलब एक घंटा ही काम किया ये मैंने, ये आ गया मेरे पिछले वीक की इनकम। तो देख लो ये जो 1770 दिख रहा है ना आपको, ये मैंने जिस दिन ब्लॉग बनाया था ना तो उसी दिन की इनकम है। 500 कुछ आपको उस टाइम दिखा रहा था, पिछले ब्लॉग में बताया था ना आपको। तो उसके बाद मैंने 10 से 12 फिर से काम किया था, तो इंसेंटिव जोड़ के मतलब 1770 का टोटल काम किया था एक दिन का। फाइनली 1.5 घंटे के बाद एक ऑर्डर असाइन हुआ है, तो चलो जाते हैं देने। ठीक है गाइस, जम्मू फूड ही जाना है तो लोकेशन लगाते हैं, तो निकलते हैं फिर। तो फाइनली गाइस ऑर्डर पिक करने जा रहा हूँ, तो अभी रास्ते में ही हूँ। तो आपसे मिलते हैं जम्मू फूड इसके बाहर, ठीक है भाई। तो हम जम्मू फूडीज़ के बाहर पहुंच गए हैं, ऑर्डर रेडी है, तो अभी जाएंगे पिक करने। तो ऑर्डर पिक कर लिया, तो ऑर्डर लेके अभी जाएंगे कस्टमर की लोकेशन पे। पहले ऑर्डर को उठा के रेटिंग करने पड़ती है, मर्चेंट की भी रेटिंग देने पड़ती है हमें। तो अभी लोकेशन ऑन की है, ये कस्टमर की लोकेशन आ गई, तो अभी निकलते हैं कस्टमर की लोकेशन पर। तो फाइनली हम निकल गए कस्टमर की लोकेशन पे, तो मैंने साथ में भाई को भी ले लिया क्योंकि मैंने एक ही ऑर्डर देना था, उसके बाद मेरी आईडी ऑफलाइन हो जानी थी। तो अभी मैं और मेरे दो भाई है ना साथ में जा रहे हैं ऑर्डर डिलीवर करने। तो ये ऑर्डर देना हमें रूपनगर में, तो ऑर्डर डिलीवर चढ़ाते ही फिर हम वापस घर पर आ जाएंगे। तो अभी हम कस्टमर की लोकेशन पर पहुँच के आपसे मिलते हैं। तो फाइनली हम कस्टमर की लोकेशन पर पहुँच गए, अभी ऑर्डर देने का टाइम आ गया है, तो ऑर्डर डिलीवर चढ़ाऊंगा फिर मैं। तो मैं ये लोकेशन पे पहुंच गया, हम देख लो लोकेशन पे पहुंच गए हैं। तो ये अभी मैं ऑर्डर लेके जाऊंगा, ये आ गया हमारा ऑर्डर। तो कस्टमर का घर थोड़ा आगे है, तो मैं पैदल ही जा रहा हूँ।
तो फाइनली हमने ऑर्डर डिलीवर कर दिया, तो अभी घर पे आया हूँ। तो अभी ब्लॉग को करते हैं एंड। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ज़रूर करो यार।